हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी बीटीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बिजन आईएएस का PT 365। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें अभी तक हमने इसके चार मेजर टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य को कवर अप कर लिया है। यह हमारा फिफ्थ टॉपिक डिफेंस रहेगा और इस पार्ट में हम फिफ्थ टॉपिक रक्षा और डिफेंस और सिक्स टॉपिक इसका वैकल्पिक ऊर्जा कम्प्लीट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। डिफेंस जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, इसमें आता है सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रेमजेट तकनीक। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर तट के दूर स्थित चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण परिसर से SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SFDR क्या होता है। SFDR एक ऐसी मिसाइल प्रौद्योगिकी या प्रणाली होती है जिसमें रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर के साथ थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डिटेक्ट रॉकेट शामिल होता है। यह भारत एवं रूस की संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत विकसित SFDR की उड़ान का पहला परीक्षण 2018 में किया गया था, जिसकी मैक क्षमता 3 की गति थी। यह प्रणाली ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रेमजेट का उपयोग करती है। SFDR टेक्निक का महत्व, यह टेक्निक मिसाइलों को सुपरसोनिक गति और अत्यधिक सटीकता के साथ बहुत लंबी दूरी तक हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। और दूसरा, इससे लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मदद मिलेगी। और तीसरा, यह तकनीक का उपयोग हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लंबी दूरी तक पहुँच सकती हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीकारक की आवश्यकता नहीं होती है। ठोस पुरोधक वाले रॉकेटों के विपरीत रेमजेट उड़ान के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है। इस प्रकार यह वजन में हल्का होता है और अधिक ईंधन ले जाता है। इसकी रेंज 70 से 340 किलोमीटर की रेंज में हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। अब पढ़ते हैं रेमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रेमजेट के बीच अंतर क्या है। इसके पहले ये देख लेते हैं कि DRDO क्या है। DRDO का विकास किसके द्वारा किया गया और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है और ये किस तरीके से वर्क करता है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह है रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से लैस करना और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना होता है। इस मिशन में युद्ध क्षमता को बेहतर करने के लिए 3 सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना तथा सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करना होता है। और इसमें के दौरान विकसित किए गए मुख्य उत्पाद एवं प्रणालियाँ हैं, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल की श्रृंखला, ब्रह्मोस हल्का लड़ाकू विमान, तेजस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन MK-1A आदि हैं। अब पढ़ते हैं रेमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रेमजेट के बीच अंतर। यह एक ब्रीदिंग इंजन की 3 अवधारणाएं हैं, जिनमें अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा विकसित किया गया है। रेमजेट यह बिना घूमने वाला कंप्रेसर का उपयोग करके सामने से आ रही हवा को दहन के लिए संपीड़ित करने हेतु यान के पासवर्ड मोशन का उपयोग करता है। इसकी सुपरसोनिक गति 3 होती है और सबसे अधिक कुशलता से काम करता है तथा यह 3 से 6 तक इसकी गति होती है। हाइपरसोनिक गति पर पहुंच जाने पर इसकी क्षमता में कमी आती है और टर्बोजेट इंजन के विपरीत इसमें टरबाइन नहीं होता है। अब आता है स्क्रैमजेट या सुपरसोनिक दहन रेमजेट। यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक काम करता है और सुपरसोनिक दहन को संभव बनाता है। यह ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है और इसमें रेमजेट और स्क्रैमजेट दोनों में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। अब आता है डुअल मोड रेमजेट जिसकी मैक क्षमता 4 से 8 रेंज की होती है और इसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन मोड दोनों में कुशलता से परिचालन कर सकता है। अब आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। CDS के बारे में पढ़ लेते हैं। CDS क्या है?
CDS का पद 2019 में सृजित किया गया था जब नौसेना, वायुसेना और सेना का प्रमुख होता है। वह एक 4-स्टार सैन्य अधिकारी होता है जिसकी पात्रता 62 वर्ष से कम आयु का कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल इस पद पर नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। इसकी सिफारिश CDS पद हेतु पहला प्रस्ताव कारगिल समीक्षा समिति 2000 में जो समिति बनी थी उसने दिया था। उसके बाद 2000 रक्षा और सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति 2011 ने दिया था तथा सेकटकर समिति ने 2016 ने भी इस CDS पद के लिए सृजन का प्रचार का विस्तृत किया। कौन कौन सी समिति? कारगिल समीक्षा समिति 2000 में, और संरक्षा और सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति 2011 में, और सेकटकर समिति 2016 में। इनका कार्यकाल केंद्र सरकार CDS के कार्यकाल को बढ़ाकर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कर सकती है। CDS की भूमिकाएं एवं शक्तियां। CDS रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है और इसके सचिव के रूप में कार्य करता है। CDS मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति का भी सदस्य होता है। CDS रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है तथा CDS अभी प्रेजेंट में कौन बने हैं? अनिल चौहान को CDS बनाया गया है। अब आता है G7 श्रृंखला के उपग्रह। G7 पहले तो G7 श्रृंखला के उपग्रह देख लेते हैं। G7 श्रृंखला के उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह हैं जो रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं। इन्हें 2013 में प्रक्षेपित किया गया था जिनका उपयोग भारतीय नौसेना में अपनी संचार आवश्यकताओं के लिए करती है। यह नौसेना को एक सुरक्षित और रियल टाइम संचार लिंक स्थापित करने में मदद करती है तथा इसके अंतर्गत G7A को वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया और G7B को मुख्य रूप से थल सेना की संचार जरूरतों को पूरा करेगा, उसके लिए यह प्रक्षेपित किया गया है। सुर्खियों में क्यों? भारतीय सेना ने कथित तौर पर अपने उपग्रह आधारित प्रणाली की ऑपरेशनल तैयारी के लिए एक अभ्यास आयोजित किया है। यह प्रणाली ऑपरेशनल स्काईलाइट के तहत देश भर में तैनात है। इससे संबंधित तथ्य, भारतीय सेना और वायुसेना और नौसेना के बीच थल सेना के पास वर्तमान में कोई उपग्रह नहीं है और वर्तमान में सेना G7A की संचार क्षमताओं का 30% उपयोग कर रही है तथा रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए G7B उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्काईलाइट। अब आता है ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस सुर्खियों में क्यों? ब्रह्मोस फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए $375 मिलियन के सौदे को स्वीकृति प्रदान की है। कहाँ से? फिलीपींस ने $375 मिलियन के सौदे को स्वीकृति प्रदान की है। ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। इसे भूमि स्थित या समुद्र आधारित लक्ष्यों के विरुद्ध भूमि समुद्र हवा में दागा जा सकता है। ब्रह्मोस को एक संयुक्त सहयोग के आधार पर भारत और रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है जिसमें पहले चरण में ठोस पुरोधन इंजन होते हैं तथा दूसरे चरण के तहत तरल रेमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इस मिसाइल में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के तहत निर्धारित बाध्यताओं के कारण मिसाइल की रेंज मूल रूप से 290 किलोमीटर तय की गई थी और भारत वर्ष 2016 में MTCR में शामिल हुआ था और इसके बाद से सीमा में 450 किलोमीटर और बाद में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य का निर्णय लिया गया है। अन्य समकक्ष मिसाइल प्रणालियाँ। चीनी SD-1 सुपरसोनिक मिसाइल, यह एक व्यापक हथियार प्रणाली है। इसमें मिसाइल लॉन्च कमान नियंत्रण लक्ष्य संकेतन व व्यापक समर्थन प्रणाली इत्यादि विशेषताओं को शामिल किया गया है। टॉमहॉक को अमेरिका और उसके सहयोग द्वारा उपयोग किया जाता है। यह टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम मिसाइल है। इसे पोतो पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है और यह 1000 मील दूर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेदती है। अब आता है इजराइल की श्रीब्रेकर। इजराइल की सी ब्रेक
सी ब्रेकर पांचवीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली स्वायत्त व सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। इसे महत्वपूर्ण समुद्री और भूमि आधारित लक्ष्यों को भेदने के लिए विकसित किया गया है। P-800 ओनिक्स या यांगखूत, यह एक रूसी सुपरसोनिक पोतरोधी क्रूज मिसाइल है। इसे एक प्रभावी मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है और ब्रह्मोस भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब पढ़ते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। क्रूज मिसाइल के बारे में, यह मानव रहित स्वचालित निर्देशित मिसाइल है। यह अपने उड़ान पक्ष के अधिकांश समय वायुगतिकीय लिफ्ट के माध्यम से उड़ान भरती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में भीतर भी उड़ान भरती है और इसमें जेट इंजन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रह्मोस हार्पून USA की और एक्सोसेट फ्रांस की है। इसका वर्गीकरण 0. सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तीनों चरणों में इसका होता है। बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंतर्गत अधिकांश उड़ान पर बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र होता है, भले ही यह हथियार से लैस ही क्यों ना हो। इसके आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला करती है। उदाहरण के लिए इसमें पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड और धनुष बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंतर्गत आती हैं। और इसका वर्गीकरण में यह लॉन्च मोड, रेंज और प्रोपल्शन सिस्टम पर आधारित होती है। सुर्खियों में रही अन्य मिसाइलें, इसमें आती है पहली अग्नि मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थर्ड का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि थर्ड की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक होती है। यह 1.5 टन से अधिक की पैलोड ले जाने में सक्षम होती है। अग्नि सीरीज की मिसाइल भारत के परमाणु हथियारों के आधार पर के रूप में है। इनका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। अब आता है S-400 भारत को रूस से S-400 मिसाइल खरीद लेने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। S-400 मिसाइल, यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली होती है तथा यह 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस होती है। शत्रु के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी के 120 किलोमीटर और कम दूरी के 40 किलोमीटर तक मार सकती है। कितना? 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। यह 9 से 10 सेकंड की प्रतिक्रिया समय में एक बार में 80 लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यह S-400 की विशेषता है। अब आती है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स विस्फोटक प्रतिक्रिया सील कवच से संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए क्रमबद्ध रूप से हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक बार वॉरहेड का प्रयोग करता है। इसे मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। अब आता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह स्वदेशी रूप से विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। इसका वजन कम वजन वाली व दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित होती है तथा यह थर्मल साइटिंग की विशेषता से युक्त इस मिसाइल को एकीकृत मैन पोर्टल लॉन्चर से दागा गया है। अब आता है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। इसको DRDO ने युद्धपोत से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली, यह सी स्किमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी कर देती है। इस मिसाइल को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई हमलों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसका डिजाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित होता है, जो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। अब आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO तथा भारतीय सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है।
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली होती है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर होती है। अब आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी ये से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एवं डिजाइन किया है। यह कम दूरी की ऊंचाई वाले हवाई खतरों को निष्प्रभावी करती है तथा यह दोहरे विरोध वाली ठोस मोटर द्वारा गतिमान किया जाता है। अब आता है हेलिना। हेलिना हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। हेलिना हेलीकॉप्टर आधारित नांग इसका नाम है के बारे में। यह तीसरी पीढ़ी की दागू और भूल जाओ की श्रेणी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया जा गया है। अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-1 इसका इसे रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र MK-1 मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसे DRDO ने इस मिसाइल और संबंधित प्रणालियों के उत्पादन में BDR को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है तथा ये इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30MKI और तेजस तथा नौसेना के MiG-29 के जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आता है पिल्लाई मिसाइल। पिल्लाई मिसाइल को DRDO द्वारा परीक्षण किया गया। पिल्लाई मिसाइल के बारे में, यह स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है तथा यह 10 मीटर से कम सटीकता के साथ और यह एक मार्गदर्शन प्रणाली है जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल होते हैं। अब आता है पनडुब्बी। पनडुब्बी सुर्खियों में क्यों? स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी भागीत नौसेना में शामिल हो गई है। निर्माण में सहभागी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्वदेशी रूप से 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किया जा रहा है। इन श्रेणी की 5 पनडुब्बियाँ कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागसीर है और जो अभी हाल ही वाली है वह बागीर है। ऑपरेटिंग रेंज, इसे युद्धरोधी पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, निगरानी करने और नौसैन्य माइंस बिछाना शामिल होता है। पनडुब्बियों का वर्गीकरण, पनडुब्बियाँ सबमर्शिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन या 3 तरीके की होती हैं जिसमें सबमर्शिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों के लिए ऐसे लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसका पता नहीं लगाया जाता है। इसे विशेष रूप से स्टील्थ बनने और परमाणु हथियारों की सटीक डिलीवरी के लिए डिजाइन किया जाता है जैसे भारत का INS अरिहंत या भारत का SSBN है। सबमर्शिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर है। अब आता है दूसरा, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। यह एक गैर परमाणु हथियारों से लेकर किंतु परमाणु संचालित लड़ाकू पनडुब्बी है। इसे माइंस युद्ध में शामिल होने वाले दुश्मनों के जहाजों को खोज करने, उन्हें नष्ट करने और युद्ध समूह के परिचालनों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वर्तमान में केवल 6 देशों के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी और इसमें 6 देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस शामिल है। अब तीसरी आती है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। यह एक डीजल इंजन का प्रयोग होता है। इसमें बैटरी की एक निश्चित क्षमता के कारण यह सीमित समय के लिए ही जल के भीतर रह सकती है। इस कारण इसे बार बार जल की सतह पर आना पड़ता है और भारत डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन में सिसुमार क्लास, किलो क्लास, सिंधु या सिंधु घोष क्लास और कलवरी क्लास की स्कॉर्पिन पनडुब्बियाँ शामिल हैं। सिसमार क्लास जर्मनी से और किलू क्लास या सिंधु घोष क्लास रूस से और कलवरी क्लास की स्कॉर्पिन पनडुब्बियाँ आती हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में INS विक्रांत। INS विक्रांत को प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया है। INS विक्रांत 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री और उपकरणों का उपयोग किया गया है। यह सॉल्ट टैंक ऑफ बस असिस्टेंट रिकवरी या एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड का उपयोग करता है। यह तकनीक विमान को उड़ाने के लिए किसकी जंप का उपयोग करता है
और भारत के पास पहले भी विमान महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये ना तो ब्रिटिश INS विक्रांत या विराट और रूस द्वारा निर्मित थे, और इसे भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट 15 बी के तहत बने मोर्मोगोवा और सूरत पोतों को हाल ही में भारतीय नौसेना में सुपुर्द किया गया है। प्रोजेक्ट 15 बी यह कोलकाता श्रेणी में विध्वंसक पोतों के निर्माण का अगला चरण है, जिसे पिछले दशक में शुरू किए गए 15 ए का हिस्सा है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन चार पोतों में विशाखापट्टनम, मोर्मोगोवा, इम्फाल और सूरत शामिल हैं। ये पोत स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक होते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट्स के तहत पाँचवें युद्धपोत तारागिरी के लॉन्च किया गया है। P-17 फ्रिगेट्स के उन्नत संस्करण है। प्रोजेक्ट 17 ए पोतों को भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने घरेलू रूप से डिजाइन किया है, तथा प्रोजेक्ट 17 ए पोतों के उपकरण और सिस्टम के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। अब आता है प्रोजेक्ट 75 ए। इसे रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 ए को तहत प्रस्ताव के अनुरोध पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 उन्नत पनडुब्बियों का उपनिर्माण किया जाता है, तथा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत मंजूरी प्रदान की गई है, तथा इस मॉडल को मेक इन इंडिया के समग्र ढांचे के तहत विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं को भी नामित करेगा। अब आता है भारतीय नौसेना पोत बागसीर। बागसीर को प्रोजेक्ट 75 की छठी और अंतिम पनडुब्बी बागसीर के समुद्र में उतार दिया गया है। बागसीर एक डीजल आधारित पनडुब्बी होती है। इसे C-9 एल के साथ साथ एक्सिस डिनाइल वाले युद्धपोत में डिजाइन किया जाता है। यह प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों को दो श्रेणियों में से है, और अन्य श्रेणी P-75 फर्स्ट है, जो विदेशी फर्मों में ली गई तकनीक के साथ स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की एक योजना का हिस्सा है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और शामिल किए गए हैं, और बागीर के लिए ही समुद्र परीक्षण जारी है। इसका निर्माणकर्ता मझगांव डॉक शिपयार्ड है। अब आता है एयरक्राफ्ट ड्रोन और हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं। डोनियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट DO-228, इसे नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में निर्मित डोनियर 228 की पहली वाणिज्यिक उड़ान को रवाना किया। DO-228 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, तथा यह सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर को सुपुर्द किया गया है। अलायंस एयर यह नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाने वाली पहली व्यावसायिक विमानन कंपनी बन गई है, तथा इस विमान को अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के 5 शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा, और इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, और यह सरकार की उड़े देश का आम नागरिक योजना क्षेत्रीय योजना से संपर्क रखती है। अब आते हैं हल्का युद्ध हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित बहुउपयोगी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह भारत लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का विश्व का सातवां देश बन गया है। इसकी विशेषताओं में इसकी रेंज 550 किलोमीटर होती है, इसकी स्थायित्व क्षमता 3 घंटे से अधिक है, तथा सर्विस सीलिंग 6.5 किलोमीटर है, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है, और यह एक काउंटर मेजर डिस्पेर्सिंग सिस्टम से लैस है। इसे शत्रु के रडार और शत्रु की मिसाइलों को इंफ्रारेड सीकर से बचाता है। अब आता है स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन की पहली उड़ान भरी है। स्टील्थ ड्रोन को मानव रहित लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। मानव रहित लड़ाकू विमान स्वायत्त मानव रहित अनुसंधान विमान नामक सशस्त्र स्टील्थ ड्रोन कार्यक्रम घातक के एक पूर्ववर्ती है। इसे यह हथियार दागने की क्षमता से युक्त आत्मरक्षा उच्च गति वाले टोही UAV से रूप में वर्णित किया गया है। यह वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान से डिजाइन और विकसित किया गया है। अब आता है चिनूक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर 47 चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ान को रोक लगा दी है। यह फैसला चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने के खतरे के देखते हुए लिया गया है।
चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में, यह एक मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म होता है जिसका उपयोग सैनिकों, तोपखानों, उपकरणों और ईंधन के परिवहन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मानवीय और आपदा राहत कार्यों में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग राहत संबंधी आपूर्ति के परिवहन और शरणार्थियों की व्यापक पैमाने पर निकासी जैसे मिशनों में किया गया है। इसे वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अब आता है तेजस मार्क टू। तेजस मार्क टू को हाल ही में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तेजस मार्क टू परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह विमान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उन्नत संस्करण है और तेजस को DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। यह एक एकल इंजन, हल्के वजन, अत्यधिक फुर्तीला और बहुभूमिका वाला सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है। तेजस मार्क टू को 4.5 पीढ़ी की मशीन के रूप में वर्णित किया गया है और इसका निर्माण 70% भाग स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब आता है कामिकेज ड्रोन्स। कामिकेज ड्रोन्स इंडियन आर्मी पूर्वी लद्दाख में कामिकेज ड्रोन तैनात करेगी। ये छोटे आकार के मानवरहित विमान होते हैं और ये विस्फोटक पदार्थों से लैस होते हैं और ये किसी टैंक अथवा सैन्य टुकड़ी के ऊपर उड़ान भर सकते हैं और इनके टकराने के बाद इसमें विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद ये काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें लॉन्च करने पर इनके ब्लेड जैसे विंग्स निकलते हैं। अब आता है हरमिज स्टार लाइनर मानवरहित विमान। इसराइल असैन्य हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। यह अनुमोदन हरमिज स्टार लाइनर ड्रोन को किसी भी अन्य असैन्य विमान की भांति असैन्य हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करेगा। इसके पहले इसे गैर पृथक हवाई क्षेत्र में भी उड़ान भरने की अनुमति थी। मिसलेनियस में डर्टी बम। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। डर्टी बम में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम होता है। इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है और इस बम में परमाणु बम के समान अत्यधिक संवर्धित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से प्राप्त रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसलिए डर्टी बम को परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ते और तेजी से बनाया जा सकता है। अब आता है भारतीय सेना को स्वदेशी रक्षा उपकरण सौंपे गए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को कई स्वदेशी उपकरण सौंपे हैं जिसमें पहला है फ्यूचर इन्फेंट्री सोलर एज सिस्टम, दूसरा एंटी पर्सनल माइन निपुण और तीसरा लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट सौंपा गया है। जिसमें पहला आता है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम, यह पैदल सेना के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम होता है और इसके तहत सैनिकों को 3 प्राथमिक उप प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है जिसमें पहली आती है दिन और रात में कारगर होलोग्राफिक और रिफ्लेक्टेड साइट से अतिरिक्त अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल और दूसरा विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के माध्यम से सुरक्षा प्रणाली, तीसरा संचार और निगरानी प्रणाली आता है। इसमें दूसरा आता है एंटी पर्सनल माइन या निपुण, इसे सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनेशन के रूप में जाना जाता है। यह प्रणाली NMM-14 माइन की जगह लेगी। अब आता है तीसरा लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, इसे पेंगोंग त्योसो झील में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली नावों के स्थान पर लाया जाए। अब आएगा कार्ल गुस्ताफ M4, इसे स्वीडन ने घोषणा की है कि भारत में भी अपनी कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगा। भारतीय सेना में वर्ष 1976 में कार्ल गुस्ताफ का उपयोग कर रही है। वर्तमान में सेना इसके MK2 और MK3 संस्करण का परिचालन कर रही है। कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस राइफल एक मैन पोर्टेबल व मल्टी रोल हथियार प्रणाली है। इसे M4 हथियार प्रणाली या विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को दागने में सक्षम है। इसमें एंटी आर्मर और एल्यूमिनेशन राउंड शामिल होता है। इसकी अधिकतम सीमा 1500 मीटर होती है। अब आता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आर्मेनिया ने भारत के पिनाका के लिए एक पहला निर्यात ऑर्डर दिया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन व विकसित किया है और यह एक मोबाइल यानी सचल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसकी अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक है। अब आता है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म 4S एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन। स्पेस
है एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। सोनार एक समुद्र के अन्वेषण तथा मानचित्रण में सहायक, और इसका कारण यह है कि यह ध्वनि तरंग रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में जल में अधिक दूरी तक जाती है। स्पेस दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है, और इस सुविधा की विशेषता विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित, और इस प्लेटफॉर्म को 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। और इससे सेंसर और ट्रांसड्यूटर जैसे वैज्ञानिक पैकेज की त्वरित तैनाती और आसान नीड रिकवरी संभव हो जाएगी। अब आता है अभ्यास। उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभ्यास का पूरा नाम हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। इसे ट्विन अंडर स्लग बूस्टर और जो यान को प्रारंभिक चरण प्रदान करता है। यह अभ्यास एक स्वदेशी और मानव रहित एरियल टारगेट प्रणाली है। अब आता है हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम SFO टेक्नोलॉजीज ने हाई एनर्जी लेजर सिस्टम विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत DRDO की सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज के साथ सहयोग किया गया है। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम हथियार पर्याप्त तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह ऊर्जा एक पारंपरिक युद्ध सामग्री का उपयोग किए बिना एक लक्ष्य को सीधे अप्रभावी बना सकती है। यह हथियार हवा, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। यह एक लेजर हथियार है जो निर्देशित ऊर्जा हथियार श्रेणी से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत की परियोजना है। इस क्षेत्र में भारत में जो हथियार विकसित कर रहा है वह डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे नाम दिया गया, और इसके अंतर्गत अन्य परियोजनाओं में शामिल है किलो एम्पियर लीनर इंजेक्टर, प्रोजेक्ट आदित्य और एयर डिफेंस डेजलर्स हैं, और इन्हें संचालित करने वाले देश रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और चीन हैं। अब आता है बटरफ्लाई माइंस। रूस का PFM फर्स्ट का उपयोग करने का आरोप लगा है। PFM फर्स्ट को बटरफ्लाई माइंस के रूप में जाना जाता है। यह खिलौनों की तरह दिखते हैं, इसलिए बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। PFM फर्स्ट और PFM फर्स्ट S दो प्रकार के एंटी पर्सनल लेंस माइंस होते हैं, तथा इन्हें आमतौर पर बटरफ्लाई माइंस या ग्रीन पैरेट कहा जाता है। इन माइंस को हेलीकॉप्टर से गिराकर या तोपखाना और मॉर्टर के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक प्रसार के माध्यम से बिछाया जा सकता है। लैंड माइंस पर अंतर्राष्ट्रीय अभिशमन ने एंटी पर्सनल लेंस माइंस को प्रतिबंधित किया है। हालांकि रूस और यूक्रेन इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यहाँ पर यह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसका दूसरा टॉपिक आता है वैकल्पिक ऊर्जा, इसको पढ़ते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा या अल्टरनेटिव एनर्जी, इसमें पहला टॉपिक है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो हल्के परमाणु, उदाहरण के लिए ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम, आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन कौन से परमाणु? एक हल्के परमाणु के रूप में ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, और बड़े परमाणु जो हीलियम का निर्माण करते हैं। और यह संलयन अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है, और प्लाज्मा एक गर्म आवेशित गैस के रूप में होता है, और यह धनावेशित आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जिसमें ठोस तरल गैसों के अलग अलग अद्वितीय गुण पाए जाते हैं। अब आता है इसके सुर्खियों में क्यों रहा है। सुर्खियों में हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने वैज्ञानिकों ने पहली बार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के जरिए निवल ऊर्जा का उत्पादन किया है। ध्यातव्य है कि इस अभिक्रिया में लेजर का उपयोग किया गया है, तथा अन्य संबंधित तथ्यों में इंटीग्रेशन स्तर प्राप्त। यह संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित नेशनल इंटीग्रेशन फैसिलिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार नाभिकीय संलयन के माध्यम से इंटीग्रेशन के स्तर को प्राप्त किया है। गौरतलब है कि इरीगेशन के स्तर में नाभिकीय अभिक्रिया की प्रक्रिया को प्रयुक्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे कार्यान्वित कैसे किया जाता है? इसे एनआईएफ द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक के इस गर्म और संपीड़ित करने के लिए शक्तिशाली लेजर्स का उपयोग किया गया है। जब यह नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इससे संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है, और यह ऊर्जा संलयन अभिक्रिया शुरू करने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा के बराबर या उससे अधिक होती है, और इस घटना को इग्रेशन कहा जाता है।
ये नाभिकीय संलयन की विक्रिया है जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम नाभिक जुड़ते हों और हीलियम नाभिक बनाते हैं और न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं और इसके साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। अब आता है नाभिकीय विखंडन बनाम नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन नाभिकों के छोटे छोटे कण में खंड विखंडित होते हैं और नाभिकीय संलयन इसमें दो हल्के पर नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन सामान्य रूप से घटित नहीं होता है तथा यह नाभिकीय संलयन की घटना सामान्य परिघटना है। नाभिकीय विखंडन इसके गति उच्च गति वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है तथा नाभिकीय संलयन में अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक उच्च दाब वाले दशाओं की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है तथा नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिकों की अभिक्रियाओं से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा भारी नाभिकों की अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना ना के बराबर होती है। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत उदाहरण है यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछारें बमबारी की जाती है और अस्थिर समस्थानिकों में रेडियो एक्टिव क्षय होता है और इसमें नाभिकीय संलयन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच संलयन होता है और भारी नामिक हीलियम का निर्माण करता है। अब आता है संलयन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। संलयन में बाधाएं धनात्मक रूप से आवेशित नाभिकों के बीच मजबूती प्रतिकर्षी स्थिर वैद्युत बल्ब उन्हें नज़दीकी आने से रोकता है। इससे नाभिकों के टकराव और संलयन की प्रक्रिया बाधित होती है। यह प्रक्रिया प्रतिकर्षी बल की तुलना में नाभिकों के बीच आकर्षित बल के भी अधिक हो जाने के कारण संलयन की अभिक्रिया शुरू होती है तथा नाभिकीय आकर्षण बल परमाणु नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है। ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती है जब तापमान बढ़ता है जिससे आयनों की गति तीव्र होती है। अतः ऐसे में आयन एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाते हैं जिससे संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ होती है। संलयन की प्रक्रिया आरंभ होने के लिए आवश्यक शर्तें, इसके लिए तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए तथा दीर्घ अवधि तक उच्च पर्याप्त घनत्व को बनाए रखना जाना चाहिए ताकि संलयन अभिक्रियाओं की दर बढ़कर उस स्तर तक पहुंच जाए जहां आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न होने लगे। नाभिकीय संलयन के प्रकार जड़त्वीय और चुंबकीय दो प्रकार के होते हैं। इसमें NIF द्वारा संचालित प्रयोग में जड़त्वीय संलयन का उपयोग किया जाता है और जड़त्वीय संलयन में लेजर या आयन बीम कुछ मिलीमीटर व्यास वाले ईंधन के कैप्सूल अत्यधिक सटीक रूप से केंद्रित होते हैं। एक दूसरी आती है अन्य विधि चुंबकीय संलयन। चुंबकीय संलयन इसके तहत संलयन अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए उच्च दबाव वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सैकड़ों घनमीटर प्लाज्मा को 1 मिलीग्राम या घनमीटर में कम घनत्व तक संपीड़ित तो गर्म किया जाता है। चुंबकीय संलयन की तुलना में जड़त्वीय संलयन के माध्यम से ब्रेक इवन एनर्जी स्तर को प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है। ब्रेक इवन एनर्जी यह एक संलयन अभिक्रिया द्वारा विमुक्त ऊर्जा प्लाज्मा को गर्म करने के लिए उपयोगी किए गई ऊर्जा के बराबर होती है और इसे ब्रेक इवन एनर्जी की स्थिति भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन के लाभ, इसे प्रचुर मात्रा से ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपलब्ध होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता और नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इसके समक्ष चुनौतियां, इतने उच्च तापमान पर पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में मौजूद होता है, इसके साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है। उच्च तापमान के कारण संलयन अभिक्रियाएं आसानी से नियंत्रित नहीं होती हैं और इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 100 डिग्री तक का चाहिए होता है। अब आता है वैश्विक स्तर पर शुरू किए गए पहले वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर असेंबली, दूसरा कृत्रिम चीन का कृत्रिम सूर्य, इसे प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक उपकरण सूर्य से जारी परमाणु संलयन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। तीसरा आता है SS2 टोकामक, यह प्रायोगिक संलयन रिएक्टर के रूप में SS2 टोकामक की स्थापना कर भारत ने इस दिशा में अपना प्रयास शुरू किया है। यह टोकामक गुजरात के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में स्थित है। अब आता है ज्वाइंट यूरोपियन टोरेंस, इसका उद्देश्य भविष्य के नाभिकीय संलयन आधारित ग्रिड ऊर्जा के लिए रास्ता तैयार करना होता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर क्या है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक है, इसे दक्षिणी फ्रांस में स्थापित किया गया है। इसमें भारत सहित 35 सदस्य देश होते हैं। और टोकामक क्या है, टोकामक एक चुंबकीय संलयन का उपकरण होता है। इसमें नाभिकीय संलयन को ऊर्जा के बड़े पैमाने पर
और कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में व्यवहार लाने में डिजाइन किया जाता है। यह सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें गर्म प्लाज्मा का संलयन करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुँच सकता है और इसका उपयोग भाप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और इस भाप के माध्यम से टर्बाइन एवं जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा की जाती है। अब आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को नीति आयोग की हाल ही में नीति आयोग के सदस्य ने सुझाव देते कहा है कि सरकार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को बदलने में मदद मिलेगी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं। इन रिएक्टरों की प्रत्येक यूनिट 300 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करती है। यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्तमान में 18 देशों में 70 से अधिक SMR की संकल्पनाएँ विकास के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बेना ऑस्ट्रेलिया में है। यह इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अधीन वैश्विक एटम्स फॉर पीस संगठन के रूप में 1957 में की गई थी तथा यह ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु स्थापित एक वैश्विक केंद्र है जिसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य और इसमें कुल 175 देश शामिल हैं। SMR के लाभ, यह अल्प फुटप्रिंट होता है। इसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह SMR की इकाइयों के विभिन्न घटकों का अलग अलग निर्माण किया जा सकता है, फिर उन्हें साइट पर स्थानांतरित व स्थापित किया जा सकता है। इससे लागत और निर्माण लगने वाले समय को कम किए कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने SMR को उनके अनुप्रयोग के आलोक में एक मंच की स्थापना की है। यह मंच SMR के विकास के सभी पहलुओं से संबंधित सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। माइक्रो रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और परंपरागत परमाणु रिएक्टर, जिनमें इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 10 माइक्रो रिएक्टर माइक्रो वाले की होगी और 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक इसकी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की होगी और परंपरागत की 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक से अधिक होगी। अब आता है हाइपरलूप सिस्टम। हाइपरलूप सिस्टम भारतीय रेलवे हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से IIT मद्रास के साथ सहयोग कर रहा है। हाइपरलूप एक ऐसी टेक्निक होती है जो उन्नत व्यवहार मॉडल बनाने के लिए हाइपरलूप टेक्निक में प्रयुक्त सिद्धांत को वैक्यूम ट्रेन के विचार पर विकसित किया जाता है। इसकी विशेषताएं, इसमें चारों ओर से बंद कक्ष वाले एक चैम्बर का प्रयोग किया जाता है जिसे पॉड कहते हैं। यह ट्यूब या सुरंगों के माध्यम से यात्रियों या मॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तथा इसमें घर्षण को कम करने के लिए अधिकांश वायु घटा दी जाती है। दूसरा विशेषता है, इस वॉर्ड को ट्यूब में अत्यधिक गति से संचालित करने के लिए विद्युत प्रोधन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कम दबाव वाली ट्यूब वायुगतिकीय खिंचाव को कम करती है, साथ ही संचालन के दौरान चुंबकीय उत्तोलन के कारण प्रत्येक पौंड टैग के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर स्थिर बना रहता है। इससे संबंधित तथ्य, IIT मद्रास द्वारा आविष्कार हाइपरलूप नामक एक टीम का गठन किया गया है। यह परिवहन की हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। IIT मद्रास द्वारा हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। अब आता है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरियों के लिए विस्फोट से संबंधित कई घटनाओं की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में, यह बैटरी रिचार्जेबल बैटरी प्रकारों का एक वर्ग होती है। इसे लिथियम आयन सेल के रूप में चार घटकों एनोड, कैथोड, विभाजक और जलीय इलेक्ट्रोड में विभाजित किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी के लाभ, यह उच्च विशिष्ट चार्ज घनत्व वाली होती है, उच्च वोल्टेज प्रदान करती है, उच्च ऊर्जा घनत्व होता है तथा स्वतः डिस्चार्ज की संभावना कम होती है। और इससे संबंधित नुकसान एवं चिंताएं, यह थर्मल और रनवे या ताप वृद्धि करती है, कम स्थिरता होती है तथा लिथियम की अनुपलब्धता होती है। भारत में लिथियम आयन बैटरी के लिए उठाए गए कदम, पहला है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसपोर्टिव मोबिलिटी के द्वारा घरेलू लिथियम आयन सेल के विनिर्माण और विद्युत वाहनों के घटकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। इसरो और भेल के मध्य स्थापित इसे कम लागत वाली लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत लिथियम ट्राइगन राष्ट्रों अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। लिथियम के बारे में, लिथियम
वर्तमान में लिथियम का उत्पादन कठोर चट्टानों या लवणीय खानों में किया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। लिथियम की सबसे पहले अवशेष कर्नाटक के मांड्या जिले में प्राचीन आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हों। वर्तमान में भारत अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लिथियम का उत्पादन लिथियम का आयात करता है। चीन और हांगकांग इसके सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता देश हैं। अन्य संबंधित तथ्य में यह है, कार्बन युक्त पेट्रोल तथा डीजल पर निर्भरता कम करने, अधिक से अधिक कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता का उपयोग करती हैं तथा यह है, बैटरी विस्फोटकों की घटनाओं के कारण तेलंगाना में एक 80 वर्षीय और गुड़गांव में 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई तथा कुछ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं ने आग लगने की घटनाओं के बाद कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटरों की वापस कंपनियों में भेज दिया है। ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी के उपयोग पर आधारित होते हैं, अतः ऐसे में लिथियम आयन बैटरी में आग लगने से संबंधित कमियों और समस्याओं की जांच करना आवश्यक होता है। बैटरी के विभिन्न प्रकार, किस बैटरी का यूज करने से क्या उसके लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। पहली आती है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी यह कम लागत तो काफ़ी मजबूती तथा परिपक्व तकनीक पर आधारित होती है। यह इसका लाभ है, इसमें अत्यधिक बर्जनी और आकार में बड़ी होती है यह और इनका रिचार्जेबल जीवन चक्र तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसकी हानि है। दूसरी प्रकार है निकल कैडमियम बैटरी। ये सभी आकारों में उपलब्ध है तथा यह इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है। तीसरी आती है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। यह इसका उपयोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में व्यापक रूप से किया जा रहा है और यह काफ़ी महंगी होती है। लिथियम आयन बैटरी, यह कम स्पेस में ही अधिक मात्रा में ऊर्जा को स्टोर करती है तथा यह हल्की और आकार में छोटी होती है और इसके हानि में एक कच्चे माल पर निर्भरता होती है और विनिर्माण संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी, इसे अधिक मात्रा में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है, इसमें विनिर्माण बुनियादी तकनीक समस्या संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। मेटल ईयर बैटरी, यह लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में इन बैटरियों में अधिक मात्रा में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है और इससे हानि, इन्हें विद्युत द्वारा पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी, यह -70°C से 100°C तक तापमान पर काम करती है तथा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अत्यधिक सुरक्षित एवं सस्ती है। इसकी हानि में, इसमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है। संबंधित अवधारणा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इसकी भंडारण क्षमता, इसके तहत ऊर्जा को बाद में उपयोग किए करने के लिए स्टोर किया जाता है ताकि ऊर्जा की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को पूरा किया जाएगा। इसका उपयोग 3 श्रेणियों में किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं में, पावर कट के दौरान बैकअप के रूप में और परिवहन क्षेत्र के रूप में। संबंधित सुर्खियां, भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों के प्रदर्शन के लिए संबंधी मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों में भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत चालित सड़क वाहनों के लिए लिथियम आयन ट्रांजेक्शन बैटरी पैक एवं सिस्टम पर परीक्षण संबंधी विनिर्देश मानक प्रकाशित किए। अब आता है फ्लेक्स ईंधन। फ्लेक्स ईंधन सुर्खियों में क्यों, फ्लेक्स ईंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में, यह पारंपरिक वाहनों की तरह फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों में आंतरिक दहन इंजन होता है। हालांकि इन्हें सामान्य पेट्रोल के बजाय पेट्रोल के साथ एथेनॉल या मीथेन के मिश्रण से ईंधन से जलाया जाता है। इसमें एथेनॉल का मिश्रण 20-85% के बीच होता है और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के विपरीत गैसोलीन से चलने वाले किसी भारी पुर्जे को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह वाहनों को एथेनॉल के उच्च मिश्रण वाले ईंधन से चलाने के लिए अपग्रेड किया जाता है, लेकिन यह काफ़ी महंगा हो सकता है तथा यह एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होता है। इसका महत्व, यह कम प्रदूषणकारी इलेक्ट्रॉन सम्मिश्रण से प्रयुक्त चीनी के डाइवर्जेंस को रोक कर सकता है तथा आयात बिल में कमी इत्यादि करता है। इसके समक्ष चुनौतियों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, एथेनॉल से संबंधित मुद्दे, क्योंकि भारत में अधिकांश एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से होता है और कम माइलेज इत्यादि इसके समक्ष चुनौतियां हैं। अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है। यह बस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा निजी कंपनी के KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। कौन कौन सी,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा निजी कंपनी KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। फ्यूल सेल के बारे में, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला विद्युत रासायनिक उपकरण है जो समय समय पर बैटरी की तरह रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती और ये हाइड्रोजन स्रोत और ऑक्सीजन स्रोत से आपूर्ति रहने पर तक निरंतर विद्युत का उत्पादन करते हैं। फ्यूल सेल का उपयोग परिवहन क्षेत्र में किया जाता है। यह पोर्टेबल है सैन्य क्षेत्र में, सहायक बिजली इकाइयों में और लैपटॉप इत्यादि में, स्टेशनरी में, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आवासीय भवनों आदि की बिजली की जरूरतों को पूरा करना इसका उपयोग है। इस सेल के फ्यूल सेल के लाभ, फ्यूल सेल यह उच्च क्षमता और उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण परिचालन लागत कम होती है तथा इसके संचालन में अधिक शोर नहीं होता है तथा बैटरियों की तुलना में यह अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। फ्यूल सेल से संबंधित चुनौतियाँ, यह हाइड्रोजन गैस के उत्पादन, परिवहन, ज्वलनशीलता और भंडारण के लिए अवसंरचना की कमी है, यह उच्च लागत वाली प्रौद्योगिकी होती है तथा सेल प्रणाली के आकार, वायु तथा ऊष्मा और जल की प्रबंधन आदि जैसी तकनीकों के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत का लक्ष्य 2022 तक E10 को 2025 तक 20% मेथेनॉल में हासिल करना है, एथेनॉल मिश्रण को हासिल करना है। भारत स्टेज मानक, भारत ने सीधे BS4 से BS6 मानकों को अपना लिया है तथा सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया है। संबंधित सुर्खियों में, रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन चलित जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में, रोशनी भारत की पहली खारे पानी की रोशन होने वाली लालटेन है। इस लालटेन में LED बल्ब को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। यह जल विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी चेन्नई ने विकसित किया है। मिशन इनोवेशन सार्वजनिक निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन योजना इनोवेशन के तहत इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन इनोवेशन एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्षक और सफल बनाने के लिए अनुसंधान और विकास डेमोस्ट्रेट के क्षेत्र में कार्यवाही और निवेश को बढ़ावा देना है। तथा इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन के बारे में, इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जीवाश्म आधारित 10% और ईंधन और रसायन और पदार्थों को जैव आधारित विकल्पों में बदलना है तथा मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया छठा मिशन है तथा इसके 5 अन्य मिशन, स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर तथा ग्रीन शून्य उत्सर्जन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और अर्बन ट्रांजेक्शन है। अब आता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर UK नीति आयोग की सहयोगी पहल। COP26 के अध्यक्ष और नीति आयोग के ने भारत में बैटरी चालित वाहनों के लिए पहलों का शुभारंभ किया है। ये पहले हैं ई अमृत, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यह पहल देश में बैटरी चलित वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है तथा यह एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज पर रिपोर्ट। यह पहल यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ग्रोथ फंड ने टेक्निकल कोऑपरेशन फैसिलिटी द्वारा समर्थित है। यहाँ पर हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।